गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय SLCM। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं CVA का जो सेकंड मैच होने वाला है, जो कि आपको 1 बजे के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो ये मैच जो है जिनसाओ ड्रैगन और निंजिन मंकी किंग के बीच में है। दोनों ही टीम स्ट्रांग है, बट निंजिन मंकी किंग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब क्यों हुआ है स्ट्रांग, उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से ड्रैगन, मुझे लग रहा है ये मैच हार जाएगी, और कम से कम 15 से 20 डिफरेंस से हारेगी, बस एक प्लेयर की वजह से। क्योंकि मंकी किंग में एक ऐसा प्लेयर अभी मैं रिसेंट देख रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, और उसका बहुत ही सब कुछ अच्छा है। तो चलिए पूरा डिटेल से अब इस पर बात करते हैं। पहले दोनों टीम का दिखा देते हैं आपको, पास्ट का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये ड्रैगन का पहले देख लीजिए, जिनसाओ ड्रैगन का लास्ट के 6 मैच में से बस 1 विन हुआ और 5 लॉस हुआ है। 6 में से 1 विन और 5 लॉस, और इस टीम का जो है एवरेज स्कोर 90 के आसपास है, जबकि इसका अपोनेंट 102 के आसपास हर मैच में स्कोर कर देता है। मतलब ये हर मैच को 103-104 पॉइंट से हारती है, जो भी मैच हारती है लगभग। विन भी हुआ है तो इनका दिख लीजिए किस हिसाब से विन हुआ है, 1 पॉइंट के डिफरेंस से, ठीक है। और अब बात करें मंकी किंग का, तो मंकी किंग का ही पिछला जो 6 मैच हुआ है वो सारा हारा है, ठीक है। बट इसका एवरेज स्कोर भी वही 92 के आसपास है, और अपोनेंट का 110। इस टीम का वही हाल है, लेकिन इस टीम का कहानी थोड़ा सा बदल गया एक प्लेयर के आने से, ठीक है। अब आगे के मैसेज में दिखेगा कि थोड़ा सा इसका अच्छा दिखने वाला है स्कोर। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं दोनों टीम का स्टार्टर, बेंच, और स्टार्टर का इंपॉर्टेंस है या नहीं इस मैच में, और कौन सा प्लेयर क्या क्या करता है। तो ड्रैगन की बात करें तो यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा HC, H रंगई, YU, ZQLONG, YOXUAN LUI, QU। तो यहाँ पे आपको 4 तो लगभग हर मैच में फिक्स है, HC ही, H रोएंगी, YOXUAN और QU, और यहाँ YOXUAN LUI या फिर ZQ, ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इस मैचेज में जो है ड्रैगन और मंकी किंग के बीच में जो मैच होगा, यहाँ स्टार्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंस होगा, स्टार्टर को अच्छा खासा टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए आपको बता दें, HC ही जो है पॉइंट और असिस्ट ठीक ठाक करेगा, ZDiren जो है पॉइंट ठीक देगा, रिबाउंड असिस्ट ब्लॉक नॉर्मल देगा, और स्टिल 1-2 करके दे देगा, XUN पॉइंट सिर्फ अच्छा देगा, बाकी चीज़ इतना कुछ खास नहीं करेगा, HRongi जो है पॉइंट रिबाउंड और स्टिल, ये 3 चीज़ अच्छा करेगा, YU जो है पॉइंट रिबाउंड असिस्ट नॉर्मल करेगा, स्टिल ये मैच में 1-2 कर देगा, ZQLONG सिर्फ पॉइंट देगा। और बात करें YOXUAN LUI का, तो ये पॉइंट रिबाउंड असिस्ट ब्लॉक सब करेगा, बट नॉर्मल कुछ खास नहीं, और QU जो है ये पॉइंट और रिबाउंड बहुत ज़्यादा देगा। तो ये आपको ड्रैगन का सारा प्लेयर का मैंने बता दिया, बाकी सब जो प्लेयर हैं वो नॉर्मल थोड़े मोड़े मतलब 8-10 पॉइंट वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं उन प्लेयर का उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, उसको क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप स्क्वाड देके किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात करें मंकी किंग की, तो मंकी किंग से स्टार्ट करता हुआ, इसमें स्टार्टर का कुछ फिक्स नहीं है, स्टार्टर चेंज होते रहता है, कभी कोई स्टार्ट करता है कभी कोई, बट 2-3 प्लेयर ऐसा है जो कि फिक्स रहा है लगभग। SLee यहाँ पे है आपको, SungNonLee, ठीक है, ये पोजीशन वाइज दिया हुआ है, दिक्कत नहीं होगा। स्मॉल फॉरवर्ड से SLee, और उसके बाद फिर सेंटर से SUN और AMOLTRY, ठीक है। AMOLTRY जो है ना, यही ट्रम्प प्लेयर है, इसी पर ध्यान देना है। AMOLTRY बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ड्रीम 11 पे इसका परसेंटेज सिलेक्शन ही बहुत कम होगा, और लोग इसको SPPP तो बना के जाएंगे ही नहीं, बट मुझे अगर लास्ट टाइम वैसा सब कुछ दिख गया ठीक ठाक, तो मैं इसे SPPP भी बना के जा सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो चलिए पहले बताते हैं, ये 3 प्लेयर आपको स्टार्ट में करता हुआ दिखेगा, बाकी इन 4 में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 इधर से फिक्स हो गया, और उस 4 में से कोई 2। तो यहाँ बात करें SMUKSTAR का, तो ये पॉइंट रिबाउंड नॉर्मल देगा, असिस्ट ज़्यादा करेगा, ये ब्लॉक नॉर्मल, स्टिल करेगा ठीक ठाक, 3-2-4 ऐसे स्टिल कर देगा। FKAU जो है ये पॉइंट अच्छा देगा, रिबाउंड असिस्ट और स्टिल नॉर्मल करेगा। QWANAN का जो है पॉइंट ज़्यादा है, रिबाउंड असिस्ट और स्टिल नॉर्मल है। SLee का जो है पॉइंट रिबाउंड ज़्यादा है, असिस्ट ब्लॉक स्टिल नॉर्मल है। S1 का पॉइंट रिबाउंड नॉर्मल है। JHWINGSAN का जो है आपको पॉइंट नॉर्मल है, रिबाउंड ज़्यादा है। और SUN का पॉइंट रिबाउंड ज़्यादा है। और RNET MOLTRY पॉइंट ज़्यादा है, रिबाउंड ज़्यादा है, असिस्ट ब्लॉक भी करता है बट नॉर्मल, और स्टिल ज़्यादा, बट पॉइंट रिबाउंड इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान देने लायक कंसिडरेबल है। अगर ये लगभग आपको 30 पॉइंट देता है, तो समझिए 15 असिस्ट करेगा, इस हिसाब से, मतलब जितना पॉइंट देता है उसके पॉइंट अच्छा देता है,
25 से 30 के आसपास ये मैच हमें दे देना चाहिए अगर सही से समय मिल गया इसको तो। ठीक है, तो अब लास्ट पांच पांच मैच का दोनों टीम का हर एक प्लेयर का आप देख लीजिए, स्टार्ट कौन किया, बेंच पे कौन था और टाइम कैसे कैसे मिला। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। इस मैच में एच रोंगी को टाइम नहीं मिल पाया, तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर ठीक नहीं है, मैं भी कुछ रीजन से इसे नहीं मिला होगा, फाउल किया होगा या फिर इंजर्ड हुआ होगा एच रोंगी को आप यहाँ से, बट एच रोंगी अच्छा प्लेयर है, इसको टाइम ठीक ठाक मिलता है। तो इस टीम का ये देखा जा रहा है ड्रैगन का कि ये स्टार्टर को अच्छा समय मिलता है। ये आप सभी प्लेयर का, जैसे ये क्यू व्यू है, गुनाक्षी व्यू जो है ना, ये क्यूनाक्सी व्यू है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्यूनाक्सी नहीं क्यूनाक्सी होगा। ठीक है, यहाँ पे चाइनीज नाम में कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो इसका क्यू व्यू है, इसका पॉइंट रिबाउंड आप यहाँ से देख सकते हैं। सब प्लेयर का जो भी चीज़ बताया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये फर्स्ट मैच का हो गया, ये सेकंड मैच का देख लीजिए, यहाँ से आपको एच रोंगी का ठीक ठाक दिख गया होगा 29 मिनट के आसपास। ठीक है, ये थर्ड मैच का देख लीजिए, ये फोर्थ मैच का है और ये फिफ्थ मैच का है। ठीक है, अब चलिए मंकी किंग का दिखाता हूँ और उसमें ए मॉल्ट्री का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए ए मॉल्ट्री दिख रहा है क्या कहीं, यहाँ देखिए ज़रा, टाइम देखिए और इसका देखिए सब कुछ, इसलिए बोला था ये प्लेयर कंसिडरेबल है और ट्रंप प्लेयर है, थोड़ा ध्यान दिए रखना है इस पर। तो चलिए ये फर्स्ट मैच है, ये सेकेंड मैच है, मॉल्ट्री का यहाँ ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ये थर्ड मैच है, इसमें भी ठीक ठाक है, ये फोर्थ मैच है, यहाँ आया मॉल्ट्री खेला ही नहीं था। ठीक है, और ये फिफ्थ मैच है। तो सारे प्लेयर का आप यहाँ से आराम आराम से वीडियो को थोड़ा स्लो करके हर मैच का ये देख लेना। ठीक है, मैंने बता ही दिया है कौन कौन सा प्लेयर कितना कितना क्या क्या करता है, और यहाँ स्टार्टर का रोल होगा, थोड़ा स्टार्टर जो होंगे वो ज़्यादा समय लेगा, इसका ध्यान रखना है आप लोग को, बेंच प्लेयर उतना ज़्यादा समय नहीं लेगा। बेंच जैसे आपको जो है इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, हर मैच में आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टर का ज़्यादा समय मिला है, कुछ है कि बेंच प्लेयर हैं जैसे एस ली है तो स्टार्ट करता है तो ठीक है, अगर बेंच पर रहता तो फिर भी वो उसको टाइम मिलेगा। मैंने जिसको बताया कि हाँ ये स्टार्ट करते हैं या फिर ये करते हैं तो उन लोगों को टाइम मिलेगा, बाकी सभी को 12 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करके टाइम मिलेगा। तो चलिए पूरा डिटेल्स यहाँ बता दिया हूँ, एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ आप लोगों को अब। तो एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए मॉल्ट्री को कुछ भी नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो आप लोग नहीं समझोगे। ठीक है, बट करूँगा ज़रूर यहाँ पर ए मॉल्ट्री को कुछ ना कुछ फाइनल टीम में टेलीग्राम पे जब दूंगा, बट मैंने आपको बता दिया है, ये इसलिए बोला है ना ये सारा बात ताकि आप लोगों को पता लगे कि वीडियो आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल स्मॉल लीग टीम है, फाइनल टीम हम लोग आपको टेलीग्राम पे देंगे, तो टेलीग्राम पे आपको कैसे आना है चलिए वो बता देते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप लोग सर्च कर लीजिए @NitishForYou, @NitishForYou, जैसे सर्च करेंगे आपको SL Champ लिंक नाम से एक चैनल मिलेगा, यहाँ पे बस आपको SL Champ का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप मेन चैनल पे आ जाएंगे, जो कि अप्रोक्स आपको 14.3 के सब्सक्राइबर का चैनल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये बढ़ भी सकता है आपके आने तक, और यहाँ पर आप विनिंग वगैरह जो भी है सब आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, कल के मैच का भी अच्छा सारा रिजल्ट वगैरह, कौन सा मैच दे रहे हैं, कैसा जा रहा है, सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएगा। और एक बात कि आप लोग यहाँ से प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन और विजन 11 को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि CBA के लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है, इस पर 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आपको यहाँ पर, अगर आप जल्दी एडिट नहीं कर पा रहे तो आराम से यहाँ एडिट कीजिए। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली भी, एडिटिंग की बात तो छोड़िए, ऐसे नॉर्मली भी आप यहाँ खेलिए, कंपटीशन वगैरह मतलब कंटेस्ट में जो है चार्ज वो कम है, जैसे ड्रीम इलेवन का जो कंटेस्ट का चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे कंटेस्ट का चार्ज थोड़ा कम है। तो आप प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन जरूर एक बार ट्राई कीजिए, विजन 11 भी देखिए, विजन 11 में थोड़ा सा टीम डिफरेंट करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट वहाँ पर क्रेडिट इशू नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग विजन 11 की टीम प्रोवाइड करते हैं तो उस मैच को खेल लिया कीजिए, नहीं करते हैं अगर ड्रीम 11 की टीम है तो एज इट इज़ प्राइम कैप्टन पे उसको खेल लिया कीजिए। ठीक है, तो प्राइम कैप्टन सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा लिंक मिल जाएगा आपको, चैनल का, प्राइम कैप्टन का और विजन 11 का। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है, वीडियो का जो टाइटल है उस पर टैप कीजिएगा, टैप जैसे कीजिएगा आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं रोकते हैं और सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। ठीक है, और कुछ बताया इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक कौन सा बताया बताइएगा जरा, अगर आप लोग पूरा देखते हैं वीडियो तो। चलिए वीडियो को अभी रोकते हैं, धन्यवाद।